आज हम एक ऐसे पर्व के लिए पराविद्या तंत्र शोध केंद्र के जगदीश गुरुजी के पास आए हैं, जिसके लिए शायद हर व्यक्ति पीछे भागता है। हर व्यक्ति ये चाहता है कि मेरे पास इतना धन हो कि मैं उस धन का संचय करके रख लूं। जिंदगी जीने के लिए वाकई में धन की आवश्यकता पड़ती है, और लक्ष्मी माता भी उस पर ही कृपा करती है जो उसको संजो के रख सकता है और जो सही कर्म करे और सही रास्तों पर चले। हम बात कर रहे हैं दीपोत्सव की, दिवाली के उत्सव की, जो प्रकाश में होता है। और कहते हैं कि जब भगवान श्री राम अपने अयोध्या पहुँचे थे तो ये पर्व की शुरुआत हुई थी, तभी से ये प्रथा चली आ रही है और हम इसको बड़े धूमधाम के साथ मनाते हैं। और हमारे, मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये सबसे बड़ा, मतलब एक दिवसीय कार्यक्रम नहीं होता है, एक दिवसीय पूजन नहीं होता है, ये 5 दिन तक चलता है। मतलब दिवाली की शुरुआत धनतेरस से शुरू हो जाती है और भैया दौज तक ये चलती है। तो हम आज उस 5 दिवसीय जो पर्व है उसके संदर्भ में जगदीश गुरु जी के पास पहुँचे हैं और जगदीश गुरु जी से चर्चा करेंगे कि गुरु जी आखिर ये 5 दिवसीय जो पर्व है उसमें क्या खास विशेषताएं हैं और हम इस पर्व को क्यों मनाते हैं। नमस्कार, मैं आशुतोष शर्मा, इंडिया रिपब्लिक में आप सभी का स्वागत करता हूं। हमारे साथ जगदीश गुरु जी मौजूद हैं। मैंने गुरु जी के संदर्भ में पहले ही आपको बता दिया कि वो डायरेक्टर हैं पराविद्या शोध केंद्र के, जो कि अपने आप में एक मायने रखता है। दिवाली का पर्व है, उस दिवाली में 5 दिवसीय जो पूजन करते हैं वो क्या विशेषताएं रखती हैं, और उस विशेषताओं के साथ साथ ऐसा हम क्या क्या उपाय करें जो धन वर्षा के लिए आदमी भागता है, तो धन को कैसे संचय करें और धन प्राप्ति के क्या क्या रास्ते हो सकते हैं, वो भी हम जगदीश गुरुजी से पूछेंगे। जगदीश गुरुजी, हम आपका अपने चैनल में स्वागत करते हैं, आपने फिर एक बार हमें कीमती समय दिया। सभी चैनल के दर्शकों को मेरा श्री राधे। गुरु जी, ये जानना चाहेंगे कि 5 दिवसीय ही पर्व क्यों मनाया जाता है। इंडिया रिपब्लिक के सभी दर्शकों को मेरा श्री राधे, दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। अभी आशुतोष जी ने पूछा कि ये पर्व 5 दिन क्यों मनाया जाता है। ये एक कहना चाहिए कि श्रृंखला आरंभ होती है धनतेरस से। इस दीपावली मनाने के 2 कारण हैं। एक तो भगवान राम अयोध्या आए थे इस दिन, इसलिए दीपोत्सव होता है। लेकिन इसके पहले सतयुग में समुद्र मंथन हुआ था, उसमें 14 रत्न निकले थे, उसमें से 1 रत्न धन्वंतरी जी को भी माना जाता है जो अमृत कलश लेकर निकले थे। उनके एक हाथ में अमृत कलश था और एक हाथ में आपने देखा होगा हरी हरी सी कोई घास जैसी वस्तु होती है, वो घास नहीं है, उसका नाम है हरितिकी, जिसको हर कहा जाता है। तो उन्होंने इसके माध्यम से ये संदेश दिया कि अमृत और हरितिकी दोनों गुण धर्म में बराबर हैं। अमृत कलश लेके वो प्रकट हुए। जिस दिन वो प्रकट हुए उस दिन धन्वंतरी जयंती, प्राकट्योत्सव या धनतेरस मनाई जाती है। उसको धन से लेकर जोड़ लिया गया बाद में, क्योंकि उसकी ध्वनि जो है वो धन आती है, इसलिए धन से जोड़ लिया गया। बाकी वो भगवान धन्वंतरी का प्राकट्य उत्सव है मूल रूप से। उस दिन से ये उत्सव आरंभ होता है और उसके ठीक दूसरे दिन हनुमान जी महाराज का प्राकट्योत्सव होता है। हनुमान जी महाराज ही सिर्फ एक ऐसे शक्ति हैं जिनका वर्ष में 2 बार प्राकट्योत्सव होता है, एक चैत्र में आता है और एक छोटी दिवाली, या जिसको आप हनुमान प्राकट्योत्सव भी बोल सकते हैं या छोटी दिवाली भी बोल सकते हैं, उस दिन आता है। तो ये कल्प भेद से 2 दिन मनाया जाता है। अब कब हुआ ये तो कोई निर्णय अभी तक नहीं हुआ, लेकिन दोनों दिन इनका प्राकट्योत्सव मनाया जाता है। तो पहले दिन धनतेरस मनाया जाता है, धन्वंतरी जी का पूजन होता है, दूसरे दिन हनुमान जी महाराज का होता है, और तीसरे दिन जो दीपावली है जिसको दीपोत्सव कहते हैं, दीपावली कहते हैं, उस दिन महालक्ष्मी की पूजा होती है। ये भी समुद्र मंथन के 14 रत्नों में से 1 रत्न है, और ये समुद्र मंथन से अमावस्या की रात्रि को ही प्रकट हुई थी, इसलिए दीपावली की रात्रि को इनका पूजन किया जाता है। गुरुजी, दिवाली के बाद गोवर्धन पूजा है, भैया दौज, अभी मैंने कहा 5 दिवसीय ये आयोजन रहता है और बड़े धूमधाम के साथ मनाया जाता है, और पहले गोवर्धन पूजा और भैया दौज। गोवर्धन पूजा व्रत का सबसे
महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट त्यौहार है, क्योंकि इसी दिन हमारे प्राणाधार कृष्ण ने ब्रजवासियों से कह करके गोवर्धन की पूजा कराई थी कि ब्रजवासियों इंद्र की पूजा मत करो, इस गिरिराज की पूजा करो, ये सच्चा देव है। तो एक तरीके से देखा जाए तो गोवर्धन पूजा ब्रजवासियों का सबसे बड़ा त्यौहार है, और ये त्यौहार प्रत्येक ब्रजवासी को निश्चित रूप से बड़े मनोयोग से बड़ी श्रद्धा से मनाना चाहिए इसको। वैसे तो ये त्यौहार पूरे देश में क्या तो विदेशों में भी मनाया जाने लगा है, जब से इस्कॉन शुरू हुआ है तब से विदेशों में भी होता है, और इसमें भगवान को जो भोग लगाया जाता है उसको उसका विशेष नाम है अन्नकूट। एक तरीके से देखा जाए तो ये किसानों का एक अन्न यज्ञ है, क्योंकि आप देखिए इस समय बाजरा की फसल तैयार हो जाती है और आ जाती है, तो भगवान के भोग में बाजरा निश्चित रूप से लगाया जाता है। इसीलिए ये किसानों का भी त्यौहार है, ये नई फसल आई है तो भगवान को अर्पित करें। और कहते हैं कि जो गोवर्धन पूजा है वो इंद्र के घमंड को, हाँ निश्चित रूप से इंद्र के घमंड को तोड़ने के लिए ही कृष्ण ने ये पूजन कराया था इंद्र। वैसे ही अगर दिवाली की बात करें तो वो भी राम जी रावण पर मतलब बुराई पे अच्छाई की जीत, तो उसके उपलक्ष्य में मनाया जाता है। नहीं, निश्चित रूप से उसके उपलक्ष्य में तो मनाया जाता है, लेकिन जो दीपावली की अमावस्या को समुद्र मंथन से लक्ष्मी जी का प्राकट्य हुआ, इसलिए उनके प्राकट्योत्सव के रूप में भी इसको मनाया जाता है। तो दोनों कहानी हो गई है, एक सतयुग की है, एक उसके बाद के युग की है, राम अवतार की। दो पहले लक्ष्मी जी प्रकट हुई, उसके बाद में राम प्रभु आए दूसरे युग में, तो इसलिए उसी दिन दोनों जो आयोजन है, ये जो पर्व है, ये बड़े धूमधाम के साथ मनाया जाता है। और कहते हैं कि बुराई पर अच्छाई की जीत, बलवान चाहे कितना भी हो, अब साथ देने वाला, जैसे विभीषण राम जी के साथ थे तो उनका कुछ नहीं बिगड़ा, लेकिन कुंभकर्ण और इंद्रजीत जो इतने बलशाली होने के बाद भी उनका विनाश हो गया, क्योंकि बोलते हैं बुराई पर अच्छाई की जीत, हमेशा जीत जो होती है वो अच्छाई की होती है। नहीं, देखिए इसमें एक बात और है, रावण को एक बुराई के प्रतीक के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, बाकी वस्तुतः बात ये नहीं है। रावण तो महाप्रतापी महाप्रकांड पंडित, आपको शायद ये पता होगा या नहीं होगा कि राम चरित्र से, राम के जन्म से पहले वाल्मीकि जी ने रामायण लिखी थी, और भगवान राम ने पूरी एक्टिंग उस रामायण के ऊपर की, ये तो पहले ही लिखा जा चुका था क्या होना है। और रावण को ये पता था कि मैं जो कर रहा हूँ वो गलत तो है, लेकिन मैं अपने उद्धार के लिए कर रहा हूँ। एक बात बताएं आपको, ऐसा उदाहरण आपको पूरी पृथ्वी पर नहीं मिलेगा, राम और रावण एक दूसरे के एकदम शत्रु, दोनों में युद्ध हो रहा था, और भगवान राम ने जब रामेश्वर की स्थापना की तो आचार्य के लिए रावण को बुलाया, और रावण शहर से तैयार होके आया। उसने कहा यजमान अगर आचार्य से प्रार्थना करे कोई कर्म कराने की, तो आचार्य का ये कर्तव्य है कि उसको पूर्ण कराए। उन्होंने जामवंत जी ये प्रस्ताव लेके गए थे, तो जामवंत जी से पूछा कि भाई उनकी पत्नी, बोले पत्नी तो आपको भी पता है नहीं है उनके पास। बोले कोई बात नहीं, आचार्य का ये कर्तव्य है कि अगर उसके यजमान के पास कोई कमी है तो उसकी पूर्णता आचार्य को करनी चाहिए। तो वो माता सीता जी को लेके आए हैं, और उन्होंने विधिवत पूजन कराया है रावण ने, और उसके बाद जब भगवान राम ने प्रणाम किया है आचार्य को, तो पता है रावण क्या आशीर्वाद देते हैं, बोले राम तुमने जिस उद्देश्य से ये पूजन किया है उसमें तुम सफल हो। मतलब अपनी मृत्यु मांग रहे हैं वो, मेरी पराजय हो और तुम्हारी विजय हो। और जिस समय भगवान राम ने रावण को मोक्ष दिया है, उस समय भी रावण क्या कहता है, बोले प्रभु मेरे जीते जी आप मेरी लंका में नहीं आ सके, और मैं आपकी उपस्थिति में आपके द्वारा आपके लोग को जा रहा हूँ, विजय मेरी हुई है आपकी नहीं। ये विद्वानों की बात है, ये उस समय की बात है जब धर्म का राज्य था। माताजी को ले गया वो, निश्चित रूप से गलत काम किया उसने लौकिक रूप से, लेकिन चाहता तो वो अपने महल में ले जा सकता था, लेकिन उसने अशोक वाटिका में रखा, उसका उद्देश्य ये नहीं था।
उसका उद्देश्य तो जो जो उच्छृंखल हो गए थे राक्षस, सर्वनाश कराना था, उनका करा दिया, सबका मोक्ष करा दिया। बिल्कुल, देखिए हम कहाँ दिवाली की चर्चा कर रहे थे और कहाँ से कहाँ हमने रामायण की वो बातें भी गुरुजी से जान ली जिसके बारे में शायद हम अनभिज्ञ थे। गुरुजी, हम हमारे दर्शक के लिए अपनी तरफ से मैं आपसे सवाल पूछूंगा कि दिवाली के समय बहुत सारे टोने टोटके जो हम आजमाते हैं कि इसको करने से धन वर्षा होगी या धन का मार्ग जो है वो खुलेगा, क्या ऐसा करना उचित है हमारे लिए? देखो भैया, बात इसमें सीधी सी ये है, लक्ष्मी धन प्रदाता तो हैं जी, उनका नाम ही लक्ष्मी है, लेकिन एक बात विशेष रूप से ध्यान रखने की है, लक्ष्मी को चंचला भी कहा गया है, चपला भी कहा गया है। अगर अकेले लक्ष्मी की पूजा करी ना तो बहुत जल्दी छोड़ के भाग जाएंगे वो तुमको, इसलिए लक्ष्मी नारायण की पूजा करनी चाहिए। वो जैसी भी हैं लेकिन पतिव्रता हैं, जहाँ नारायण है वहाँ लक्ष्मी स्वयं उपस्थित रहती हैं, इसलिए अकेले कभी लक्ष्मी की पूजा नहीं करनी चाहिए, लक्ष्मी नारायण की करनी चाहिए। और गणेश जी की पूजा इसलिए की जाती है, साथ में गणेश जी की पूजा होती है उसमें, वो इसलिए पूजन किया जाता है कि एक तो गणेश जी प्रथम पूज्य हैं और लक्ष्मी जी जो हैं उनका उनमें पुत्र भाव है। माँ कभी भी गुस्सा हो सकती है लेकिन अपने पुत्र से कभी गुस्सा नहीं हो सकती, वो कुछ जो कुछ भी करे सब क्षम्य है माँ के लिए, तो इसलिए गणेश जी की पूजा होती है। गणेश जी विघ्नहर्ता हैं और माँ लक्ष्मी धन प्रदाता हैं। अच्छा एक बात और है, लक्ष्मी जी के दो आसन हैं, एक कमल आसन और एक उल्लू का आसन। कभी भी किसी को उल्लू के ऊपर विराजमान हुई लक्ष्मी की पूजा नहीं करनी चाहिए, नहीं तो उल्लू बना कहीं चली जाती हैं, ध्यान रख लेना। इसलिए कमलासना की पूजा करनी चाहिए, बैठी हुई लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए जिससे वो विराजमान रहे तुम्हारे यहाँ। कभी खड़ी हुई लक्ष्मी की पूजा करने से क्या होता, कभी कहते हैं ना अरे भाई वो तो खड़ो खड़ो आयो, तो मतलब स्थिरता नहीं रहती उसमें, इसलिए लक्ष्मी जी कमल पर जहाँ विराजमान हो उनका पूजन करना चाहिए। रही बात प्रयोगों की के उस दिन कुछ धन प्रदाता प्रयोग, तो लक्ष्मी जी का पूजन ही धन प्रदाता है, इससे अधिक और क्या होगा। और दूसरी बात, ये लोक पूजन है, मतलब ये हर घर में पूरे देश में किसी न किसी प्रकार से प्रकारांतर से प्रदेश भेद से मनाया जाता है, तो ये लोक पूजन है, इसमें कोई विशेष आडंबर की या किसी आचार्य को बुला के, मैं ये नहीं कह रहा हूँ बेचारे उनकी रोजी रोटी का भी, वो बेचारे कुछ कराते हैं तो उनको कुछ दक्षिणा मिलती है, वैसे इसमें उनकी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अगर प्रत्येक व्यक्ति आचार्यों से पूजन कराने लग जाए तो इतने आचार्य भी उपलब्ध नहीं होंगे। ये लोक पूजन है, अपनी कुल परंपरा के अनुसार माँ लक्ष्मी का पूजन करना चाहिए, गणेश जी का पूजन करना चाहिए। और जहाँ तक टोने टोटके का सवाल है तो मैं समझता हूँ वो सब पढ़े लिखे लोग कुछ कर सकते हैं, जो बेचारे कुछ नहीं जानते वो क्या करेंगे, वो लक्ष्मी जी को प्रणाम करें, पूजन करें, प्रसाद पाएँ और भगवान में अपनी श्रद्धा रखें। बाकी जो पढ़े लिखे हैं वो लक्ष्मी सूक्त का पाठ कर सकते हैं, कनक धारा स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं, ये सब पाठ कर सकते हैं। तो निश्चित इस दिवाली पर कुछ विशेष टाइमिंग की अगर हम बात करें तो शुभ मुहूर्त कोई हो जिसमें कि, देखिए इस बारे में एक बार दिल्ली में बड़े विद्वानों की बैठक हुई, देश के बड़े बड़े उद्धव विद्वान उसमें आए थे और बनारस से भी विद्वान आए थे, तो सबने एक मत से ये स्वीकार किया कि जो सिद्ध योग है उसमें भी अगर कोई सिद्ध योग निकालने की आवश्यकता पड़ गई तो उसका सिद्ध योग का जो महत्व है वही समाप्त हो जाएगा। तो दिवाली पूरा का पूरा सिद्ध समय है, इसमें तो आप जब जो भी करें वो निश्चित रूप से फलदायक होगा। जनरली ये आता है कि इतने बजे से इतने बजे तक शुभ मुहूर्त है, इस समय अशुभ मुहूर्त है या अभिजीत मुहूर्त है। अभिजीत मुहूर्त बुधवार छोड़ के बाकी छः दिन दोपहर के 12 बजे के लगभग आता है, 12 बजे तो निश्चित रूप से रहता है वो जी। और जहाँ तक लग्नों का सवाल है तो जो स्थिर लग्न है बहुत से लोग सिंह लग्न में करते हैं तो उसका उसको देख लेना चाहिए। बाकी सबसे अच्छा पूजन का समय रात को 11 बजे से 2 बजे तक, इसको महानिशा कहते हैं, ये परम सिद्धि देने वाली है, हर प्रकार की मनोकामना पूर्ण करने वाली है। और इस समय में अगर महालक्ष्मी का पूजन किया जाए तो निश्चित रूप से धन धान्य सबकी वृद्धि होगी। और हाँ एक बात और है, बहुत से लोग नहीं जानते या जानकारी नहीं है,
बंगाल में दिवाली की रात्रि को काली की पूजा होती है जी। उस दिन माँ सीता ने काली का स्वरूप रखा था। ये बताएं तुमको कैसे रखा, क्यों रखा? नहीं, हमारे दर्शक को बता दीजिए तो आपकी बहुत कृपा होगी। जब भगवान का दरबार हो रहा था जी। तो दरबार में तो सभी प्रशस्ति गायन करने आते हैं, महाराज आपने ऐसा किया वैसा किया, बड़े योद्धा थे आपने, रावण को जो मार दिया ऐसा मार दिया। तो दरबार में माता जी घूंघट लगा के बैठी थी, लेकिन वो हंस रही थी उनकी बातों पे कि ये क्या ऊटपटांग बोल रहे हैं। तो जब दरबार पूरा हो गया, प्रभु अपने कक्ष में गए तो बोले, सीता आज तुम हंस रही थी दरबार में जब वो सब प्रशस्ति गायन कर रहे थे। तो वहाँ बोले नहीं प्रभु, ऐसी बात नहीं। बोले नहीं, तुम्हारी वो हंसी भेद वाली थी, उसमें सहजता नहीं थी। तो माता जी बोलती हैं, प्रभु सही बताइए, रावण को आपने मारा था क्या? राम जी हकबका गए, बोले कोई बात नहीं, वो तो एक मच्छर था वो मार दिया, एक अभी महिरावण और है वो उससे बहुत ज़्यादा बलशाली है, उसको जरा कुछ देखो तो फिर हमारी समझ में आए कि कुछ है दमदारी। भगवान मान गए, उन्होंने तुरंत पुष्पक विमान कॉल किया। पुष्पक विमान में ही बड़ी खासियत है, उसको रखने के लिए किसी यार्ड की ज़रूरत नहीं है, वो मानसिक रूप से भगवान ने याद किया, सामने उपस्थित हो गया। भगवान राम को और माता जी को बैठना तो टू सीटर है, वो पूरी अयोध्या को बैठना तो एयरबस बन जाता है, फूलों से सुभाषित है, पेट्रोल की कोई उसमें बदबू नहीं आती। जब वो चलने को तैयार हुए, लक्ष्मण जी बोले, प्रभु कहाँ? अभी तो दरबार पूरा हुआ है, आप कहाँ? बोले ऐसे ऐसे माता जी कह दी, तुम्हारी भाभी जी कह रही हैं कि एक महिरावण है, ज़रा उससे बातचीत कर आए। बोले हमको नहीं ले चलोगे? हम 14 साल आपके साथ रहे, हमको भी तो ले चलो। चलो तुम भी चलो। थोड़ी देर में हनुमान जी आ गए, उन्होंने कहा, कौ गुरु हमको नहीं, हमको भी तो ले चलो, हमने भी तो बहुत हाथ पैर फेंके आपके पीछे, चलिए। सभी चले गए, मैं जाकर देखा तो महिरावण बैठा हुआ ध्यान में, तपस्या में, त्रिशूल लगा हुआ उसका, ध्यान कर रहा था। माता जी ने कहा, बोले प्रभु ये है महिरावण, इसको जरा देखिए। तो हनुमान जी बोले प्रभु आपको कष्ट करने की आवश्यकता नहीं है, मैं देखता हूँ। हनुमान जी ने उसके ऊपर उछल कूद मचाई, उसने जैसे मक्खी को हटाते हैं ना ऐसा फेंका, तो सीधे अयोध्या आके लगे वहाँ से। लक्ष्मण जी का नंबर आया, उनको भी फेंक फाँक दिया उन्होंने। अब राम जी का नंबर आया, राम जी ने जब युद्ध किया तो राम जी परास्त हो गए उससे। तो माँ सीता ये सब दर्शन कर रही थी, एक पतिव्रता नारी के सामने उसके पति का अपमान हो ये उसके लिए बहुत असह्य होता है, बहुत असहनीय होता है। चाहे उन्होंने किसी कारण से कह दिया, लेकिन बड़ी असहनीय पीड़ा हुई उनको। तो क्रोध में उनके नेत्र लाल हो गए और जिभ्या बाहर आ गई और काली का स्वरूप बन गया उनका। तो जो उसके सामने कलश था महिरावण के सामने, उससे ध्वनि निकली, बोले माँ इसका मोक्ष तुम्हारे हाथों से होगा, इसको मोक्ष दो। और माँ ने एक ही बार में उसकी गर्दन अलग कर दी उस समय। और वो इतनी उन्मत्त हो गई कि उनको शांत करने के लिए भगवान शंकर को आना पड़ा, तभी तो उनकी जीभ बाहर है, वो शर्म के मारे है। ऐसा नहीं कि वो जीभ हर समय बाहर लटका के रखती हैं, ऐसा नहीं, वो एक क्षण का काम था। तो उस समय माँ सीता ने जो स्वरूप रखा काली का, इसलिए, और वो दिवाली की रात्रि थी, उनका नाम था भद्रकाली। भद्र कहते हैं सज्जन को, उनका नाम है भद्रकाली। तो उनकी भी पूजा उस रात्रि को होती है, तो काली का भी पूजन करना चाहिए। गुरुजी, एक पर्व गोवर्धन पूजा के बारे में आपने बता दिया, एक पर्व और है भैया दौज, वो भी बड़े धूमधाम के साथ मनाया जाता है। हाँ, ये भी बड़ा इम्पोर्टेंट पर्व है। ये जो मनाया जाता है, इसकी भी बड़ी विचित्रता है। भैया दौज के दिन सूर्य की पुत्री है यमुना जी, और सूर्य के पुत्र हैं धर्मराज, कह लो यमराज कह लो, कुछ भी नाम से पुकार लो, अच्छे लोगों के पास आते हैं धर्मराज होते हैं, और खतरनाक लोगों के पास, बदमाशों के पास आते हैं तो वो यमराज होते हैं। उस दिन यमराज अपनी बहन यमुना से तिलक कराने आए थे, और जब तिलक किया यमुना ने, यमराज जी का, धर्मराज जी का जी, तो कुछ विदा दी जाती है।
धर्मराज बोले, बोले बहन क्या विदा दूँ। तो उन्होंने देखो कैसी लोक कल्याण की बात मांगी, बोले आज के दिन जो बहन और भाई मेरे जल स्वरूप में स्नान करें उनको तुम्हारी यमराज वाली पीड़ा नहीं हो, उनको सीधा प्रभु का धाम मिले, मोक्ष मिले। तो यमराज ने ये वरदान दिया उनको कि आज के दिन जो भाई बहन एक साथ जल स्वरूपा यमुना जी में स्नान करेंगे उनको मेरी पीड़ा नहीं लगेगी। और शायद आपको ये जान के आश्चर्य होगा, यमराज के नाम से तो सभी डरते हैं, घबराते हैं, कोई उसकी पूजा नहीं करता है, लेकिन मथुरा में यमराज का मंदिर है जहाँ रोज़ उनकी पूजा होती है जी। तो वहाँ पे ये मेला लगता है। वैसे यमुना जहाँ भी हैं वहाँ पे अगर बहन भाई दोनों एक साथ स्नान करें तो प्रत्येक वर्ष करें, नहीं एक बार भी कर लेंगे तो भी चलेगा, लेकिन प्रत्येक वर्ष करें तो अच्छा है, जब तक जीवित रहें तब तक करते रहें तो अच्छा है। यमुना का स्नान तो पुण्यदायक है, जब जब करेंगे तो अच्छे फल की प्राप्ति होगी। तो तब से बहन और भाइयों का ये सब चला आ रहा है और इसकी इम्पोर्टेंस और बढ़ गई। जब यमराज ने इतना बड़ा वचन दिया तो इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात और क्या होगी। तो बिल्कुल, ये जो 5 दिवसीय पर्व था इस पर गुरुजी ने जिस तरह प्रकाश डाला है हम वो कल्पना नहीं कर सकते थे कि हमें इतनी सारी बातों का आज के दिन। ये हमारे दर्शकों के लिए बहुत बड़ी बात है कि गुरुजी ने ये जो 5 दिवसीय पर्व है उसके बारे में जो हमें खुल के बताया है कि आखिर हर एक त्यौहार के पीछे क्या विशेषताएं, जैसा मैंने पहले ही कहा था कि ये जो 5 दिवसीय पर्व है उसमें क्या विशेषताएं हैं, तो उस 5 दिन की विशेषताएं गुरुजी ने हमें एक एक करके बताई। तो हम गुरुजी आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। विशेष गुरुजी जानना चाहेंगे कि कुछ ऐसा उपाय, टोने टोटके तो बहुत होते हैं, लेकिन कुछ ऐसा उपाय जो आपके माध्यम से हमारे दर्शकों तक पहुँचे और उससे वो जो धन वर्षा हो सके, क्योंकि धन वर्षा के लिए ही सारे लोग भागते हैं कि किस तरह हमें धन प्राप्ति हो, और दिवाली का जो त्यौहार है वो धन प्राप्ति के लिए ही है। उसके लिए मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, कनक धारा स्तोत्र का पाठ करें, श्री सूक्त का पाठ करें, इनका पाठ करें और हवन करें, इनसे इनके मंत्रों से कमलगट्टे से हवन करें, कमलगट्टे को घी में मिला के श्री सूक्त से आहुतियाँ लगाएं, श्री सूक्त के 16 पाठ करें और हवन करें, गोपाल सहस्त्रनाम का पाठ करें, गोपाल सहस्त्रनाम सब कुछ देने वाला है, सब कुछ देने वाला है। कोई ऐसी भौतिक संपदा नहीं है जो गोपाल जी के पाठ से, गोपाल सहस्त्रनाम के पाठ से नहीं मिल सकती हो। तो मैं सभी दर्शकों से ये अवश्य कहूँगा कि गोपाल सहस्त्रनाम का पाठ करें जो कर सकते हैं, श्री सूक्त का पाठ करें, उससे कमलगट्टे से और बेल फल से आहुतियाँ लगाएं, तो निश्चित रूप से लक्ष्मी की कृपा होगी। तो गुरुजी से हम आए थे दिवाली के विषय पर चर्चा करने, लेकिन हमें इतनी सारी नई चीज़ों का बोध हुआ जो हम शायद अनभिज्ञ थे। गुरुजी एक पर्व गोवर्धन पूजा के बारे में आपने बता दिया, एक पर्व और है भैया दौज, वो भी बड़े धूमधाम के साथ मनाया जाता है। हाँ, ये भी बड़ा इम्पोर्टेंट पर्व है। ये जो मनाया जाता है इसकी भी बड़ी विचित्रता है। भैया दौज के दिन सूर्य की पुत्री है यमुना जी। और सूर्य के पुत्र हैं धर्मराज कह लो, यमराज कह लो, किसी भी नाम से पुकार लो, अच्छे लोगों के पास आते हैं धर्मराज होते हैं और खतरनाक लोगों के पास, बदमाशों के पास आते हैं तो वो यमराज होते हैं। उस दिन यमराज अपनी बहन यमुना से तिलक कराने आए थे, और जब तिलक किया यमुना ने यमराज जी का, धर्मराज जी का जी। तो कुछ विदा दी जाती है। धर्मराज बोले, बोले बहन क्या विदा दूँ। तो उन्होंने देखो कैसी लोक कल्याण की बात मांगी, बोले आज के दिन जो बहन और भाई मेरे जल स्वरूप में स्नान करें उनको तुम्हारी यमराज वाली पीड़ा नहीं हो, उनको सीधा प्रभु का धाम मिले, मोक्ष मिले। तो यमराज ने ये वरदान दिया उनको कि आज के दिन जो भाई बहन एक साथ जल स्वरूपा यमुना जी में स्नान करेंगे उनको मेरी पीड़ा नहीं लगेगी। और शायद आपको ये जान के आश्चर्य होगा, यमराज के नाम से तो सभी डरते हैं, घबराते हैं, कोई उसकी पूजा नहीं करता है, लेकिन मथुरा में यमराज का मंदिर है जहाँ रोज़ उनकी पूजा होती है जी। तो वहाँ पे ये मेला लगता है। वैसे यमुना जहाँ भी हैं वहाँ पे अगर बहन भाई दोनों एक साथ स्नान करें तो प्रत्येक वर्ष करें,
नहीं, एक बार भी कर लेंगे तो भी चलेगा, लेकिन प्रत्येक वर्ष करें तो अच्छा है, जब तक जीवित रहें तब तक करते रहें तो अच्छा है। यमुना का स्नान तो पुण्यदायक है, जब जब करेंगे तो अच्छे फल की प्राप्ति होगी। तो तब से बहनों और भाइयों का ये सब चला आ रहा है और इसकी इम्पोर्टेंस और बढ़ गई। जब यमराज को इतना बड़ा वचन दिया, यमराज ने इतना बड़ा वचन दिया, तो इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात और क्या होगी। तो बिल्कुल, ये जो 5 दिवसीय पर्व था, इस पर गुरुजी ने जिस तरह प्रकाश डाला है, हम वो कल्पना नहीं कर सकते थे कि हमें इतनी सारी बातों का आज के दिन। ये हमारे दर्शकों के लिए बहुत बड़ी बात है कि गुरुजी ने ये जो 5 दिवसीय पर्व है उसके बारे में जो हमें खुल के बताया है कि आखिर हर एक त्यौहार के पीछे क्या विशेषताएं, जैसा मैंने पहले ही कहा था कि ये जो 5 दिवसीय पर्व है उसमें क्या विशेषताएं हैं, तो उस 5 दिन की विशेषताएं गुरुजी ने हमें एक एक करके बताई। तो हम गुरुजी आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। मैं अपने सभी दर्शकों को इस प्रकाशोत्सव की बहुत बहुत बधाई देता हूं और मैं ये कामना करता हूं कि आपका जो ये दिवाली का पर्व है वो बहुत हंसी खुशी बीते और आप जिस मनोकामना को लेकर ये पर्व मना रहे हैं वो आपकी मनोकामना लक्ष्मी माता पूर्ण करें। धन्यवाद। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, मैं अपने सहयोगी मनीष सैनी के साथ आशुतोष शर्मा वृंदावन से।